एक ऐसा देश जहाँ की सरकार पुरुषों को दो शादी करने के लिए मजबूर करती है और अगर मना किया तो जेल भी हो जाती है। एक ऐसा देश जहाँ आज तक लोगों द्वारा मतदान तक नहीं किया गया है। ये वो देश है जहाँ एक समय पर खुदाई करते वक्त मानव जाति का सबसे पुराना अवशेष भी पाया गया था। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं वहाँ के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो आपको हैरान करके रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूर्वी अफ्रीका में मौजूद एक छोटे से देश की जिसका नाम है इरिट्रिया, जिसके दक्षिण में इथियोपिया देश मौजूद है, पश्चिम में सूडान तो वहीं दक्षिण पूर्व में जिबूती नाम का देश मौजूद है। इस देश में आज तक कभी जनगणना नहीं करी गई है, लेकिन अनऑफिशियल डेटा की माने तो इस देश की आबादी लगभग 60 लाख से ज्यादा की हो चुकी है। दोस्तों, ये वो देश है जहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर रात के समय बाहर निकलना सबसे बड़ी नासमझी मानी जाती है क्योंकि यहाँ के लोग रात में किसी को अकेला देखकर लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। इस देश का ज्यादातर युवा ड्रग्स के नशे में धुत रहता है। दोस्तों, अब हम आपको इरिट्रिया की सबसे हैरान करने वाली बात बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने आज से पहले सुना ही नहीं होगा। दोस्तों, इरिट्रिया एक ऐसा देश है जहां पुरुषों को दो शादी करना अनिवार्य है और अगर गलती से भी किसी पुरुष ने ये कह दिया कि वो अपनी लाइफ में दो शादी नहीं करेगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकती है और उसे जिंदगी भर के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नियम ही कुछ इस तरह का है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस तरह का कानून इस देश में क्यों बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस देश में महिलाओं की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए पुरुषों को दो शादी करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, इरिट्रिया में मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है और न ही यहाँ के लोगों को ये पता है कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। इस देश की सरकार ने मीडिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और वो जो चाहते हैं उनकी जनता वो ही देखती है। यहाँ तक कि किसी भी विदेशी पत्रकार को इरिट्रिया में आकर रिपोर्टिंग करने की इजाजत नहीं दी जाती। दोस्तों, इस देश में 1 लाख साल पुरानी खोपड़ी एक समय पर पाई गई थी। इसके अलावा इरिट्रिया दुनिया का इकलौता देश है जहाँ स्वतंत्रता के बाद आज तक चुनाव नहीं लड़े गए हैं। दोस्तों, 2010 के एक रिसर्च के हिसाब से इस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है। इस देश में आज के समय एजुकेशनल रेट 76% तक है। कहते हैं कि यहाँ 6 से लेकर 13 साल के बच्चों के बीच में पढ़ाई लिखाई करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो इस देश में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर नॉनवेज खाना ही खाया जाता है। यहाँ के लोग ज्यादातर मछलियाँ और तरह तरह के नॉनवेज फूड्स खाते हैं। इरिट्रिया की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ 3 अलग अलग भाषाओं को स्थानीय भाषाओं का दर्जा दिया जा चुका है जिनमें इंग्लिश, अरबी और टिग्रिनिया शामिल है। इनके अलावा यहाँ पर काफी लोग आपको इटालियन भाषा बोलते हुए भी नजर आ जाएंगे। दोस्तों, इस देश का लोकप्रिय खेल फुटबॉल और साइकिलिंग है और तो और यहाँ पर साइकिलिंग करने की बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। यहाँ साइकिलिंग की प्रतियोगिता 1946 से लेकर अब तक हर साल आयोजित करी जा रही है। दोस्तों, आपको इस देश में कोई बड़े शहर नहीं मिलेंगे और इस देश के लगभग 22% लोग आपको शहर में मिलेंगे तो वहीं बाकी के लोग गांव में रहते हैं। इस देश की राजधानी का नाम असमारा है जिसे इस देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है और 2017 में असमारा को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि असमारा को न्यू रोम के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस शहर पर एक समय पर बेनिटो मुसोलिनी का राज हुआ करता था तब उन्होंने इस शहर को काफी हद तक रोम की तरह बनाने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।